उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद मेरठ में हिंदू जागरण मंच ने बांटे लड्डू। राज्यपाल मुख्यमंत्री का क्या शुक्रिया, हिंदुओं की बताई जीत। बोले कानून आने से लगेगी लगाम, मेरठ के कमिश्नर ऑफिस के पास बांटे लड्डू। हिंदू जागरण मंच मेरठ, आज जो हमने मिठाई वितरण किया तो कार्यकर्ताओं में और हिंदू समाज में बहुत खुशी है। धर्मांतरण और लव जिहाद पे जो कानून आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्यपाल जो है उनका, और सभी पत्रकार बंधुओं का जिन्होंने इस आवाज़ को उठाकर प्रदेश स्तर पे और हमारी योगी ये जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहाँ तक इस लव जिहाद के मामले को उठाया। और मेरठ में कई घटनाएं पिछले कई कुछ समय से जो है हो रही थी, उन घटनाओं को लेकर जो कानून आया इसमें हिंदू समाज काफ़ी जो है आज खुशी का इजहार कर रहा है। हिंदू समाज, हिंदू जागरण मंच मेरठ महानगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश सरकार का और सारी पत्रकार बंधुओं का, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का। देखिए, हाल फिलहाल की अभी कम से कम मेरे संज्ञान में 8 मामले ऐसे हैं जिनके अंदर 2 मामलों में तो जिसमें एक लोहिया वाली घटना हुई थी और एक आपका बुढ़वाल में जो माँ बेटी की हत्या हुई थी, तो कंकरखेड़ा में सिंधावली की लड़की नाबालिग थी वो बरामद हुई। बाकी कई मामले ऐसे मेरे संज्ञान में हैं जिनके जिनको लेकर हमने काफ़ी आवाज़ उठाई हिंदू समाज ने, हिंदू जागरण मंच ने, और उसी को लेकर आज ये कानून आया। हमें बहुत खुशी है इसकी। देखिए जी, हम हिंदुओं की जीत है और ये हिंदुओं की जीत है और हमारी जो बहन बेटियां वो अब सुरक्षित मुझे ऐसा लगता है कि रह पाएंगी। और अगर अब भी कोई साजिश के तहत किसी योजना को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो हिंदू जागरण मंच पहले की तरह जो प्रयास करता है भविष्य में भी ऐसे ही प्रयास अग्रेसिव होकर विधर्मियों का जो है हम सामना करेंगे।